ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। होशियार शहंशाह हिंद, नूरे तख्त मुगलिया, बादशाह सलामत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वली अहद शहजादे सलीम के साथ तशरीफ ला रहे हैं। मंगनी की रस्म शुरू की जाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله کے نام سے شروع जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। शहजादा सलीम और मान भाई की मंगनी के इस मुबारक मौके पर तमाम दरबारी और हम काजियों की तरफ से सब लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दानियाल, सगाई की अंगूठी अपने भाईजान को दीजिए। करीम, आप ये अंगूठी मानबाई को पहनाइए। यही दुनिया का उसूल है। यहाँ शादियां दिलों को नहीं, सियासी रिश्तों को जोड़ने के लिए होती है। दिल की कायदे के लिए नहीं, खुद के फायदे के लिए होती है। सलीम, क्या सोच रहे हैं आप? अंगूठी पहनाइए बेटा। मंगनी मुबारक हो हमारे बच्चे, एक नई जिम्मेदारी आज आपके साथ जुड़ गई है। बहुत खुश हैं हम आज। आइए हमारे गले लगिए।
अरे अल्लाह ताला आपको अपने अमान में रखे, हमेशा खुश रहें आप दोनों। असली मजा तो अब आएगा सलीम, जब आपकी टूटी मोहब्बत के किरचे जोधा बेगम के सीने को तार तार करेंगी। राजा मानसिंह, इस खुशी के मौके पर पूरी आवाम में ज़कात बांटी जाए। जी शहंशाह, आदेश का पालन होगा। शहंशाह, आपने इस खास मौके पर शैतानपुरा की रक्कासा को एक विशेष प्रस्तुति देने का आदेश दिया था। हाँ, याद है हमें। महफिल तैयार है शहंशाह। बेशक, अब फिर से उस गुस्ताख नादिरा का चेहरा देखना होगा हमें। काश हम खुद को वहां जाने से रोक पाते। सदा सदा जुड़ा रहे मन से मन का साथ, युग युग तक बना रहे प्यार भरा ये जिससे सलीम मोहब्बत करते हैं वो उनके ठीक सामने है, मगर दामन उससे बांधना है जो उनकी चाहत नहीं। बस इस दर्द में लहरें उठने की देरी है, फिर दर्द का ये दरिया किनारे तोड़कर बढ़ेगा जोधा बेगम की ओर। तुम्हारी इस पेशकश ने आज इस खूबसूरत मौके पर चार चांद लगा दिए। हम तुम्हारे फन की दाद देते हैं। ये लड़की एक दिन शहंशाह और सलीम की जिंदगी में जलजला लाएगी। राजा मानसिंह, इस रकासा को इतना इनाम दिया जाए कि इसे संभाले ना संभले। जी शहंशाह। आपकी फन नवासी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर, मगर गुस्ताखी मुआफ, हमें इनाम में मोहरे नहीं कुछ और चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? एक फरमान। कैसा फरमान? हुजूर, हमारे अप्पू जान को बेगुनाह होने के बावजूद भी गद्दार करार दे दिया। हमारी गुजारिश है कि आप उनके माथे से ये गद्दार का दाग हटा दें। क्या नाम है तुम्हारे वालिद साहब का? राशिद खान। वही राशिद खान जो यहाँ दरबार में शाही तबलची हुआ करते थे, वही जो तानसेन साहब के साथ संगत किया करते थे। हम उन्हीं राशिद खान और हर्जल बाहर की बेटी। लेकिन जहां तक हमें याद है, भरे दरबार में हमने उन्हें माफ कर दिया था। मगर आप यह आवाज़ हमने नहीं उसे। खैर, इस वक्त कहाँ है तुम्हारे वालिद साहब? उन्हें यहां बुलाया जाए। वो इस वक्त यहाँ पेश नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। गद्दार होने के दाग का बोझ अपने सीने पर लेके
वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हुजूर। अफसोस है हमें, लेकिन इंतकाल कैसे हुआ तुम्हारे वालिद साहब का? आपकी मुआफी के बाद भी आवाम ने उन्हें मुआफ नहीं किया। अपने कुनबे को आवाम के गुस्से से बचाने के लिए उन्होंने आगरा छोड़ा। हम दर दर भटके, लेकिन जब फिर से आगरा में कदम रखा तब ने उन्हें फिर से गद्दार करार दे दिया। मरते वक्त तक अपने सीने में ये धागी थमका लेकर घूमते रहे वो। मगर आपसे गुजारिश है हुजूर, अब उनकी मौत के बाद उनके कफन से ये काली खट जाए। राजा मान सिंह, एक फरमान जारी किया जाए जिसके मुताबिक मरहूम रशीद खान की कब्र को वलीहद की निगरानी में शाही इज्जत दी जाएगी और उनका नाम मुगल सल्तनत के वफादारों की फहरिस्त में लिखा जाएगा। और साथ ही पूरी आवाम में यह मुनादी करवा दी जाए कि जो कोई भी मरहूम राशिद खान को गद्दार कहता हुआ पाया गया या फिर उसके कुनबे के साथ ज़ाती करता हुआ पाया गया तो वो सजा का हकदार होगा। अब तो तुम खुश हो हुजूर, आपने हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी। खुदा आपको बरकत दे। तारीख में आपका नाम सोने के अल्फाज से लिखा जाए, हमें हमारा इनाम मिल गया। ये तुम्हारा इनाम नहीं था, ये तो बस हमारी आवाम की तरफ से हुई एक गलती का हर्जाना था। तुम्हारा असल इनाम तो हम तुम्हें देंगे। राजा मान सिंह, इनके वालदा के गुजारे के सारे इंतजाम किए जाएं, इनके लिए घर, मदद के लिए बांदियां और महीने का खर्चा दिया जाए, हर चीज इन्हें मुहैया कराई जाए और साथ ही ये मोहरें भी तुम अपने नाम के तौर पर अपने साथ रखो। हुजूर, आपने हमारे लिए जितना किया उतना काफी है। आपके करम के सामने सिखों का कोई मोल नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चौंक गई, शायद तुम्हें इनाम ठुकराने की आदत हो, मगर हमारे खानदान में मुजरा करने वाले रकासा को कीमत पर फायदा दी जाती है। उठाओ ये सिक्के, उठाओ, ये तुम्हारे फन की नुमाइश की कीमत है। हमारी मंगनी पर मुजरा करने के लिए इनाम है तुम्हारा, उठाओ। क्यों नहीं रही हो? उठाओ ये सिक्के, और इन्हीं सिक्कों के खातिर तो तुम यहां पर आई हो, उठाओ। वैसे सच कहे ना, बहुत किस्मत वाली हो तुम। शायद ही इतना बड़ा इनाम आज तक किसी रकासा को मुजरा करने के लिए मिला होगा। अब तो तुम पूरा का पूरा शैतान पूरा खरीद सकती हो, उस पर हुकूमत चला सकती हो और फिर बाद में शहनशाह को खुद ही ललकार सकती हो। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, धोखा देना, बरगलाना, यही सब सिखाया होगा ना तुम्हारे गद्दार बाप ने तुम्हें। हमारे अब्बू गद्दार नहीं थे, उन्हें गद्दार कहने की हिमाकत मत करना शहजाद। खामोश, गुस्ताख फड़की, शहंशाह ने सारा सी तारीफ क्या कर दी तुम्हारी की वलियत के सामने इस तरह से ऊंची आवाज में बात करने की हिमाकत आ गई तुम्हें? क्या भूल गई कि किसके सामने मुखातिब हो तुम? नहीं भूले, नहीं भूले कि हम उससे मुखातिब हैं जो हमारे हर दर्द की वजह है। लेकिन आप जरूर भूल गए हैं कि आप खुद कौन है, भूल गए हैं कि आप शहंशाह बनने वाले, भूल गए कि आपको अपनी आवाम को खुश रखना, उनके हर दर्द की मरहम बनना आपका काम है, ना कि उन्हें जख्म देना। कैसी जहन्नुम होगी वो सल्तनत जहां हर बेगुनाह के सिर पर गद्दार का दाग होगा,
हर नेक इंसान के चेहरे पे चोर लिखा होगा। किसी बीमार के लिए कोई हकीम नहीं जाएगा, किसी शरीफ इंसान के जनाजे को चार कंधे नहीं मिलेंगे, जहाँ किसी औरत की इज्जत नहीं होगी, और जहाँ एक मगरूर शहजादा अपने गुरूर में एक शरीफ लड़की को रकासा बना देगा। आपकी हुकूमत में एक लड़की की इज्जत सरे बाजार में बिक रही होगी। एक लड़की को रास्ते से उठाकर शैतानपुरा के कोठे में रात भर बिठाया जाएगा, ताकि वो दिन के उजाले में निकले तो उसके घर पहुंचने तक के सारे रास्ते बंद हो जाए, ताकि उसे हाथों की तस्वीर छोड़कर पांव में घुंघरू बांधने पड़े। तूफान पर लगाम तो गुस्ताख लड़की, सुना तो कानों में चुभन हुई। हमने वही कहा जो हमारे साथ हुआ, हमें चोर साबित किया गया, हमारे अब्बू को गद्दार कहकर पीटा गया, उनके इलाज के लिए कोई भी हकीम नहीं आया। जब हम मदद के लिए निकले तो हमें उठाकर कोठे में डाल दिया गया, क्योंकि शहजादी ये चाहते थे हमारे अब्बू के इलाज के लिए हमें पांव में घुंघरू बांधने पड़े। आपकी वजह से हमारे अब्बू की मौत के बाद उनके जनाजे को चार कंधे नहीं मिले, आपकी वजह से। क्या खता थी हमारी कि हमने बचपन में शहजादे से जुबान लड़ाई, या फिर ये कि शहजादे को हम आम सिपाही समझ उसे अपना दिल दे बैठे। बताइए क्या खता थी हमारी, हम बता दें कि हमसे क्या खता हुई। ये कि हमने हर बार गलत इंसान को चुना, हर बार ना चाहते हुए भी शहजादे सलीम को चुना। शुक्रिया शहजादे, आपने हमारे दिल और जिंदगी दोनों से मोहब्बत को मिटा दिया, सिर्फ नफरत बाकी छोड़ी। झूठ कह रहे हो तुम, झूठ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हम पर इल्जाम लगाने की, कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी? क्या तुम्हारा कसूर नहीं है? पहले खुद नापाक काम अख्तियार करो, उसके बाद दूसरों पर इल्जाम लगाओ, यही ना? नापाक तो आपके करिंदे हैं शहजादे, उनसे पूछो, शायद याद आ जाए कि आपने नशे में क्या हुक्म दिया था। आपने हम पर जो जुल्म किया उसके मुकाबले ही कीमत बहुत छोटी है। खुदा हाफिज। सलीम के साथ क्या कर रही है? ये सब क्या क्या कर गई है? हमने तो नहीं किया इसके साथ ये सब, फिर किसने हमारे नाम से इसके साथ ये सब किया? किसने? जिंदगी के लिए क्या सही है और क्या गलत, ये तय करने का हक आपको किसने दिया? हमसे बिना पूछे हमारी मंगली मान माई से पक्की करा दी क्यों? हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि अभी हम इस निकाह के लिए तैयार नहीं है। बादशाह सलामत, तशरीफ ला रहे हैं। प्रणाम शहंशाह। बैठिए बैठिए, बहुत थक गई होंगी ना, लाइए हम मदद कर देते हैं आपकी, आज बहुत खुश हैं हम। आखिर वलियात की मंगनी जो हो गई है, और अब सासू मां बनने जा रही हैं, और राहत मिलेगी हमें, जब बहू आएगी तो हम पर से हुकूमत जो कम हो जाएगी आपकी। आपकी ससी के पीछे का दर्द हम अच्छी तरह से जानते हैं, अब जो सोच रही हैं वो मालूम है हमें,
क्या सोच रहे हैं हम अनारकली के बारे में? जो धड़कन जो आपने देखा, जो आपने महसूस किया, वो हमने भी महसूस किया। अनारकली की बात से हमें भी बहुत तकलीफ हुई। मतलब? मतलब यही कि जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ अनारकली के वालिद के साथ। ना जाने क्यों कभी कभी खुदा किसी की किस्मत में इतनी तकलीफ क्यों लिख देता है। देर सही सही लेकिन इंसाफ तो मिलेगा। अर्शद खान के नाम पर जो दाग लगा है वो हमारे फरमान के बाद मिट जाएगा, और जो शाही रखासा का खिताब दिया है हमने अनारकली को, शायद उसके बाद अनारकली और उसकी वालदा की तकलीफें खत्म हो जाएंगी। और इसी बात को सोचकर हमें सुकून मिलता है। हम ये लिबास बदल कर आते हैं। आपको तो सुकून मिल गया शहंशाह, परंतु हमें तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मालूम नहीं चल जाता कि अनारकली और सलीम के बीच क्या चल रहा था।